हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं यहाँ पर एग्लोनिमा अपने रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो एक तो एग्लोनिमा का प्लांट है, दूसरा प्लांट है मेरा डम केन, यानी कि एक डिफरेंट वेकिया की वैरायटी है। तो वो दोनों प्लांट मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। और यहाँ मैंने लिया कोकोपीट और सैंड, हाफ हाफ पार्ट इसमें है, दोनों चीज़ें मिक्स हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर ये पत्तों की खाद, तो लगभग पत्तों की खाद हम लेंगे 10%। ये देखिए, ये पत्तों की खाद है और बहुत ही अच्छी डीकम्पोज पत्तों की खाद है, मैंने घर पे तैयार की है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये एग्लोनिमा प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, आप चाहे तो इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही ईजिली ये ग्रो, मतलब कि तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने पत्तों की खाद ले ली है और यहाँ पर हम लेंगे थोड़ी सी नीम खली, इसमें बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीम खली में, साथ में एक फंगीसाइड का भी काम करता है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप वहाँ पे नीम खली का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप चाहे तो फंगीसाइड पाउडर भी एक चम्मच मिला सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से एक मुट्ठी दो मुट्ठी के लगभग मैंने नीम खली भी ले ली। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 10% सैंड है, 10% कंपोस्ट है और बाकी का कोकोपीट है। सबसे ज़्यादा इसमें कोकोपीट की ही मात्रा है। तो ये मिक्सचर मैं बना रही हूँ अपने एग्लोनिमा प्लांट के लिए। आप चाहे तो सैंड की मात्रा और मिला सकते हैं, आप इसमें चाहे थोड़ी सी राइस हस्क भी मिला सकते हैं। तो राइस हस्क अभी तो मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो गया है इसलिए मैंने नहीं मिलाया, नहीं थोड़ी बहुत मात्रा में उसकी भी ऐड कर देती। तो ये देखिए, थोड़ा सा राइस हस्क भी इसमें आप मिला लीजिए तो ज़्यादा अच्छा और अच्छा ये आपका जो मिक्सचर है तैयार होगा। और ये बस इतना ही मिक्स करके आप इसमें चाहे तो थोड़ी सी बोन मिल भी डाल सकते हैं। बोन मिल में कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी होती है और फास्फोरस भी अच्छा होता है, तो प्लांट की थिकनेस वगैरह काफ़ी अच्छी होती है कैल्शियम की वजह से। तो आप उसको भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, लगभग 1 या 2 चम्मच, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है, ज़्यादा मिलाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। तो ये देखिए, इतनी मात्रा में हमने इसको मिला लिया और ये हमारा पॉटिंग मीडिया बन करके तैयार हो गया है। तो सबसे पहले मैंने प्लांट को पानी में डुबा के रख दिया है, उनकी थोड़ी सी चिकनी मिट्टी हटानी है मुझे, चिकनी मिट्टी हटा करके ही रिपोर्ट करूँगी मैं। तो चिकनी मिट्टी हटा देने के बाद ही उनको पूरे रूट्स ओपन करके अच्छे से रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में लगे रहने से बाद में फिर फंगस अटैक हो जाता है और फिर हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इसी वजह से चिकनी मिट्टी को हटा करके हम अपना ये पॉटिंग मीडिया जो बनाया है हमने इसी में रिपोर्ट करेंगे। आप चाहे तो मिट्टी भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो मिट्टी और सैंड की मात्रा रखिए, उसमें कोकोपीट फिर मत मिलाइएगा। तो मैं सिर्फ कोकोपीट और लीफ कंपोस्ट में ही लगाने वाली हूँ अपने प्लांट को, और उसका रिजल्ट भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। न्यू एक्सपेरिमेंट मैं भी करती रहती हूँ, कुछ भी जो मतलब हो जाता है। पहले मैंने राइस हस्क में लगाए थे, उसमें भी ग्रोथ उनकी काफ़ी अच्छी हो रही है, अभी मैं कोकोपीट में लगाने वाली हूँ तो इसमें भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए प्लांट को निकाल लेते हैं। पहले देखिए, इसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट भी ग्रो हुआ है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको अलग कट करके निकालना पड़ेगा। इसमें दो रूट्स आई हुई है, एक ये है और एक ये है, तो दो रूट्स से ये चल जाएगा, बहुत अच्छे से हमारा प्लांट चल जाएगा और बाकी का प्लांट हम रिपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको और कट कर लेते हैं। तो कट कैसे करना है वो मैं आपको एक हाथ से नहीं दिखा पाऊँगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ से मैं बता रही हूँ यहाँ से कट करके इसको हम अलग कर लेंगे। तो आसान है इसको कट करना, ये बहुत ही बाहर से ही निकला हुआ है तो बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। तो ये देखिए, नीचे का भी पार्ट हमने थोड़ा सा कट कर दिया, इसका इतना भाग हमने कट करके अलग कर लिया है, अब उसको हम अलग से लगा देंगे। हो सकता है उसमें न्यू प्लांट बन जाए, क्योंकि मैंने लिपस्टिक एग्लोनिमा के कई प्लांट इस तरह से बनाए हैं। तो यहाँ पर ये फंगीसाइड पाउडर, तो फंगीसाइड पाउडर हम इसके जो कट पार्ट है यहाँ पर लगा देंगे, और जितने भी आपके कट पार्ट हैं जहाँ जहाँ से आपने कट किया है प्लांट को, उसमें सब जगह ही फंगीसाइड लगा दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने फंगीसाइड लगा दिया इसमें, और अब हम इसको रिपोर्ट कर लेंगे। तो प्लांट को रखते हैं साइड में और ये पॉटिंग मीडिया हम भरेंगे। इसके लिए मैंने ये 6 इंच का पॉट लिया हुआ है और इसी में इसको भरेंगे। और इस तरह से रख करके और चारों तरफ इसके हम मिट्टी भर देंगे, मिट्टी नहीं सॉरी, जो पॉटिंग मीडिया बनाया है। तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, मैंने ज़्यादा भर दिया इसमें। और ये छोटे वाले प्लांट को मैं इसमें रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो मैं पहले छोटा वाला ही लगा देती कर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ा सा पॉटिंग मीडिया हम डालेंगे नीचे, और उसके बाद एक बेबी प्लांट देखिए, ये भी हमारा निकल आया है छोटा सा, इसमें 3 रूट है और ये आसानी से चल जाएगा। तो मैं इसके लिए और छोटा पॉट लेकर आऊँगी एक,
और ये देखिए इसमें अच्छे से रख करके और इस तरह से हम लगा देंगे। वैसे ये भी थोड़ा बड़े में ही लगाने लायक था, इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसी में लगाती हूँ। इसे देखिए इसी में लगाती हूँ क्योंकि इन फ्यूचर फिर ये मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, ये अच्छे से डेवलप होगा। तो इतना भरा हमने और इस तरह से थोड़ा उठा करके और हम इसमें पॉटिंग मीडिया डालते जाएंगे। तो मैं वो आपको दिखा नहीं पाती हूँ, सॉरी उसके लिए। तो बस आपको इस तरह से एक हाथ से प्लांट को पकड़ लेना है, थोड़ा सा इस तरह से रूट को उठा करके, और बिल्कुल हम इस तरह से नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये फिर अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते। और इसमें हम इस तरह से पॉटिंग मीडिया भरते जाएंगे तो ये उतने में ही पूरी रूट्स बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, तो ये आसान होता है। तो मैं इसमें भर देती हूँ इस पॉटिंग मिक्स को। तो ये देखिए हमने लगा दिया ये वाला प्लांट, और बस इसी तरीके से हमें दूसरा वाला प्लांट भी लगा देना है। बस थोड़ा सा रूट को उठा करके आप उसको बिल्कुल फिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा इसको गमले को ठोंक दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है ताकि रूट्स आपके अच्छे से सेट हो जाए इसमें। और बस ये देखिए तो ये हमने लगा दिया इसे, एक प्लांट हमारा रिपोर्ट हो गया। ये जो कोकोपीट वाला मीडिया होता है ना एग्लोनिमा प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। बस ध्यान आपको ये रखना पड़ता है कि इसमें आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। आपको एक बार जैसे आपने अभी पानी दे दिया उसके बाद आपको फिर कम से कम हफ्ते 10 दिन में ही इसको पानी देना है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। तो चलिए दूसरा प्लांट भी हम लगा लेते हैं। तो जो ये वाला प्लांट है मेरा, इसमें ये छोटा वाला लगा देती हूँ, ये देखिए इसको लगा देती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छे से हमारा ग्रो हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर उठा के लगाएंगे क्योंकि ये अभी छोटा है काफ़ी ज़्यादा, इस तरह से उठा करके इसको भी इस तरह से उठा करके ही लगाना है आपको, बिल्कुल ऐसे चिपका कर नहीं लगाना है। देखिए मैंने दोनों प्लांट यहाँ पे रिपोर्ट कर लिए और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा हाइट इसकी थी, मतलब नीचे की रूट्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा लंबी थी, तो मैंने दो जगह से रूट्स भी कट कर दी यहाँ से। एक देखिए ये प्लांट मेरा तैयार हो जाएगा आने वाले समय में, और नीचे की रूट्स मैंने जो एकदम से ज़्यादा सी रूट्स थी उनको भी कट करके अलग से लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर एक ग्रो बैग में सिर्फ कोकोपीट में अभी इसको मैंने लगाया है, और ये ग्रीन वाले का भी मैंने एक लगा दिया है, नीचे की जो एक्स्ट्रा रूट थी उनको कट करके अलग से लगा दिया है। तो इनमें से आने वाले समय में इनमें से बेबी प्लांट निकल आएगा, और अगर गल करके ख़राब नहीं हुआ तो। और ये जो मैंने एक बेबी प्लांट अलग किया था इसको मैंने इस तरह से लगा दिया है। अभी सिर्फ दो ही पत्तियां हैं इसमें, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रो होता जाएगा। अभी छोटी सी ही स्टेम थी तो नाजुक सा ही प्लांट है। तो देखिए एक प्लांट से हमारे 3-4 प्लांट और तैयार हो जाएंगे। तो आप इसी तरह करें, जब भी प्लांट लेकर आएँ तो कोशिश कीजिए कि उनको मल्टीप्लाई करके, मतलब एक से दो प्लांट कम से कम तैयार हो जाएँ आपके पास, ताकि कभी भी ख़राब हो तो हमेशा एक प्लांट आपके गार्डन में बचा रहे। मेरे पास एक प्लांट था बहुत ही ब्यूटीफुल था, आज उसकी कीमत नर्सरी में लगभग 800 या 750 के आसपास वो मिलता है, और मुझे वो सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला था, लेकिन वो मैं उसको प्रोपोगेट नहीं कर पाई। मेरे पास ये था कि एक प्लांट है तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सुंदर हेल्दी सा था, लेकिन वो फिर ख़राब हो गया, और अब उसकी जो कीमत है इतनी ज़्यादा हो गई है। 2 साल पहले मेरे पास था वो प्लांट पर उसको मैं प्रोपोगेट करके नया प्लांट उसका नहीं तैयार कर पाई। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कभी भी कोई प्लांट लेकर आऊँ तो कम से कम वो 2 प्लांट तो बन ही जाए। तो देखिए एक प्लांट तो हमारा ये है ही, दूसरा प्लांट ये बेबी प्लांट इसमें से निकला है, और तीसरा हमने इसकी जो रूट को कट करके लगाया है, इससे भी इसमें आने वाले समय में न्यू शूट्स आएंगे तो ये एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। और जो ये वाला भाग है इसमें से भी निकल सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसमें से निकल आए, लेकिन ज़्यादातर निकल आता है। तो अगर इसमें से भी निकल आए तो एक एक प्लांट इससे भी बन जाएंगे। तो बस इस तरह से हमने इसको रिपोर्ट कर लिया। पॉटिंग मीडिया मैंने बता दिया है, लीफ कंपोस्ट इसके लिए बहुत अच्छी बेस्ट खाद है, तो आप लीफ कंपोस्ट ज़रूर अपने गार्डन में लेकर आइए, या तो घर में बना लीजिए। आपके गार्डन में कितनी सारी ढेरों पत्तियां निकलती रहती हैं, तो आप उससे भी अपने गार्डन में लीफ कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और बस इसको हम थोड़ा सा एक बार पानी दे देंगे, बहुत ज़्यादा पानी अब नहीं देना है। एक बार देने के बाद आपको कम से कम अच्छे से, जब ये इसका कोकोपीट ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका प्लांट ख़राब होने लगेगा। तो कोकोपीट में इतना ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कोकोपीट में लगा देने से हमको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसी जगह बिल्कुल मत रखिए इनको जहाँ पे बारिश का पानी गिरे। अभी आप एक बार रख सकते हैं, अगर एक बार आप रख देते हैं, जैसे अभी मेरे यहाँ मौसम बन रहा फिर से आज बारिश का, और मैंने आज कोकोपीट भी सुखाई थी उसको भी मुझे समेट के लाना पड़ेगा, और थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट भी मैंने सुखाई थी तो उसको तो मैंने समेट दिया है, लेकिन अभी मेरी कोकोपीट छत पर ही पड़ी हुई है तो उसको मुझे लेकर के आना पड़ेगा। तो बस पानी आपको सिर्फ नॉर्मल से पानी आप दे सकते हैं, तो उसमें थोड़ा फंगीसाइड मिला करके आप दे दीजिए पानी को, और बस उसके बाद आप इनको
छाया वाली जगह में रख दीजिए, जहाँ पर आपके अच्छी ब्राइट लाइट मिलती हो। बिल्कुल इंडोर आपको नहीं रखना है, ऐसी जगह पर रखिए इनको जहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। तो इनका जो कलर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और साथ में ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, प्लांट ठीक होते हैं, मजबूत होते हैं। और हर मंथली आप इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी कर सकते हैं, और या तो इसके रूट्स पे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके रूट्स पे अभी भी डाल दिया है, मैंने मिट्टी में मिलाया है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो पड़ा हुआ है दाने दाने, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो आप इसको इसमें दे सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।